सिंगल हैं वो डेस्परेटली मैरिड होना चाहते हैं और जो मैरिड है वो डेस्परेटली सिंगल होना चाहते हैं. तो ये हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि एक्चुअली इज इट गुड टू बी इन रिलेशनशिप और इज इट बैड. आई थिंक अगर आप खुद की कदर करते हैं और आप खुद से प्यार करते हैं तभी कोई आपसे प्यार कर सकता है. और ज़्यादातर लोगों में मैंने ये देखा हुआ है कि वैलेंटाइन को काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं, जैसे कि उनको एक जो फिल्मों में देखा होता है कि एक बलून नहीं मिला या केक नहीं मिला या फ्लावर्स नहीं मिले, तो उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है. आई थिंक ये बहुत ही क्लीशे थिंकिंग है एंड हाई टाइम वी थिंक दिस, वी चेंज दिस थिंकिंग. क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी और ने ये गिफ्ट्स नहीं दिए, प्रेजेंट्स नहीं दिए, तो आप अपने लिए नहीं कर सकते. आप उसी पैशन से अपने लिए भी एक अच्छा जो है, भले ही कार्ड या ग्रीटिंग ना खरीदें, बट बाय अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर योरसेल्फ. जैसे मैंने सोचा है कि मैं अपने लिए एक कपकेक का बॉक्स खरीदूंगी और अपने लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी बना के उस 10 से 12 कपकेक्स खा जाऊंगी. बीइंग एन एक्टर मेरे लिए तो कपकेक्स और फ्राइज ऐसे जैसे जन्नत में होना. तो मैं अपने लिए छोटी सी जन्नत क्रिएट करूँगी, फ्राइज एंड कपकेक्स, वो दोनों अपने ट्रे में रख के. आई जस्ट प्लीज माई सेल्फ. इसको एक कोइंसिडेंस ही कह लीजिए कि क्वीन से पहले भी मैं हमेशा ही अकेले ट्रैवल करती थी और जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिली आई वाज सो शॉक्ड कि मुझे इतना ट्रैवलिंग का शौक है अकेले और मुझे ऐसी ट्रैवल फिल्म मिली अकेले. सो आई थिंक इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस. लेकिन मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि इट्स नॉट लिटरली हनीमून. इट इज़ अ ट्रैवल फिल्म जहाँ पे लड़की जाती है और एक्सप्लोर करती है जो उसके इनर डीमंस हैं, जो कि हमारी फिल्म का मेन जो प्लॉट है. इट्स नॉट अबाउट अचीविंग समथिंग और गेनिंग समथिंग और इट्स नॉट अबाउट अ गोल. गोल इज मोर विद इन, लाइक द गर्ल हैज़ मेजर इशूज, जैसे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो शी कैन नॉट स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ. तो कैसे जब वो एक्सप्लोर करती है और सबसे पहले एक्सप्लोर दुनिया को करती है, दैट इज़ द एक्सटर्नल गोल. लेकिन वो अपने आप को एक्सप्लोर करती है, दैट्स द इंटरनल गोल ऑफ द प्रोटैगनिस्ट. तो जब लोग फिल्म देखेंगे तो उनको इमोशनली एंड ऑन मोर फिजिकल लेवल, जैसे कि एंटरटेनमेंट है, दिल फाइंड इट वेरी फनी एंड दिल लाफ ऑल थ्रू आउट एंड देर विल बी एक्साइटमेंट. बट एट द सेम टाइम वो अपने साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेके जाएंगे, दैट फिल्म विल गिव. Opportunity of finding someone who is beyond your expectations is the best thing of being a single. क्योंकि जब आप किसी के साथ होते हैं you do, चाहे वो relationship 6 महीने चले, 6 साल चले, 60 साल चले, but you do feel that अच्छा आप एक point पे आ गए हैं जिंदगी में and this is the person you will end up with, right? This is the general thought in a relationship. लेकिन जब आप सिंगल होते हैं तो यू नेवर नो हु विल यू एंड अप विद, राइट? सलमान खान बहुत कम होता है कि हम बाहर आके इंटरेक्ट करते हैं और 104 फीवर में आज मैं पता नहीं कितने सालों बाद आई होंगी या शायद मेरा पहला ही टाइम है यहाँ पे. अनुराग को मिली, उनके साथ बात करके इतना अच्छा लगा और अपने काम के बारे में, अपनी फिल्म के बारे में दूसरों से जानना, फिल्म की क्या परसेप्शन है और म्यूज़िक लोगों में कितना पॉपुलर हो गया है, ये एक अच्छी फीलिंग है. और आई थिंक आजकल प्रमोशन इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है और इतना एक अहम हिस्सा है फिल्म रिलीज़ का कि सभी कलाकारों के लिए एक वी रियली लुक फॉरवर्ड टू इट, राइट? कि मीटिंग न्यू पीपल, टॉकिंग अबाउट आर फिल्म्स एंड कम्युनिकेटिंग एंड गेटिंग टू नो सो मेनी पीपल इज़ रियली एन इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट ऑफ आर प्रोफेशन. इतने पसंद है आरजेएस की जिसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि वो लोग कैसे बातें बना देते हैं, कैसी बातों की बातें बना देते हैं, छोटे छोटे शब्दों को लेके उनको कैसे एक एंटरटेनिंग फ्रेजेस में ढाल देते हैं, ये बहुत बड़ा एक आर्ट है. और मैं एज अ राइटर, क्योंकि मैं भी राइटर बने की मैंने भी मैं कुछ लिख रही हूँ, तो आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वर्ड्स एंड मैं खुद बोलती ज़्यादा नहीं हूँ लेकिन मैं सोचती ज़्यादा हूँ एंड आई एम गुड विद राइटिंग एंड एक्सप्रेसिंग माई थाट. बट आई थिंक जो आरजेएस करते हैं, दैट कोऑर्डिनेशन एंड दैट
sync with their thoughts and their speech is so wonderful. And I really appreciate it. Really nice to sometimes hear so. जैसे कि इन्होंने जो jokes बोले मेरे करके run out को लेके और जिस तरह से मान्या सुर्वे को लेके John को लेके तो इतना humorous और इतना entertaining कर देना एक day to day की conversation को such a delight.